सो हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि जो आप लोग चलान आते हैं, आप लोगों के जब आप एक गाड़ी चला रहे हो तो आप लोग के ऑनलाइन या ऑफलाइन आप लोगों का अगर कोई चलान जनरेट हो रहा है तो उसको आप लोग सिर्फ ऑनलाइन जाके आप लोग कैसे भर सकते हो। तो आप लोग किसी भी स्टेट में रहते हो इंडिया के, तो हर स्टेट वाइज ये जो वेबसाइट है, जिस वेबसाइट के थ्रू आज मैं आप लोग को बताने वाला हूँ, पूरा ऑनलाइन प्रोसेस है। ऑनलाइन मैं आप लोग को बताऊँगा स्टेप बाय स्टेप कि आप लोग किस वेबसाइट के थ्रू आप लोग के चलान भर सकते हो। आप लोग कहीं पे भी जाने की जरूरत नहीं है, चाहे वो चलान 100 रुपये का हो, चाहे वो 2000 रुपये का हो, चाहे वो 5000 रुपये का हो। तो वो सारे चलान जो होते हैं वो ऑनलाइन आप लोग घर बैठे बैठे भर सकते हो। तो पूरा ऑनलाइन प्रोसेस है फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखना एंड तक, कोई स्टेप मिस मत करना ताकि आप लोग अच्छे से सीख पाओ, अच्छे से एक चलान जो आप लोगों का होता है उसको आप ऑनलाइन भर पाओ। तो फ्रेंड्स, वीडियो में सारी बातें क्लियर करेंगे तो वीडियो को एंड तक देखना। और अगर चैनल पे मेरे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो आप लोग, तो ऐसे एजुकेशन कंटेंट देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, साथ साथ दबा देना बेल आइकन को ताकि जब भी मैं एक नई वीडियो डालूँ उसकी नोटिफिकेशन आप तक आ जाए और आप लोग वीडियो देख सकें। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये वर्चुअल कोर्ट की वेबसाइट है फ्रेंड्स, इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ से जाकर आप इजीली खोल सकते हो। और इस वेबसाइट के थ्रू ही आप जो आपके चलान हैं, जो भी चलान हो चाहे, वो आप ऑनलाइन पे कर सकते हो। तो सेलेक्ट डिपार्टमेंट में आपको क्लिक करना है और आपका जो भी स्टेट का ट्रैफिक डिपार्टमेंट है, जिस भी आप स्टेट में रहते हो, वो आप लोग को ट्रैफिक डिपार्टमेंट सेलेक्ट करना है और प्रोसीड नाउ के ऊपर क्लिक करना है। तो मैं जैसे दिल्ली में रहता हूँ तो मेरा चलान दिल्ली ट्रैफिक डिपार्टमेंट के अंडर आएगा, तो वो मैं आप सेलेक्ट करूँगा और प्रोसीड नाउ पर क्लिक करूँगा। तो देखिए, आपके सामने ये फर्स्ट जो आपके जो पेज है वो ऐसा कुछ दिखेगा आपको। यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर कैप्चर डाल के भी अपना चालान सर्च कर सकते हो। और लेफ्ट हैंड साइड में आप देख रहे हो चालान स्लैश व्हीकल नंबर, तो यहाँ पे आप अपना चालान नंबर, जो भी आपका ऑनलाइन या ऑफलाइन जो भी चालान कटता है, तो आप लोगों को एक चालान नंबर दिया जाता है, उससे भी आप सर्च कर सकते हो। या फिर अपना व्हीकल नंबर डालिए अगर आप लोगों का व्हीकल पर चालान कटा है। तो मैं यहाँ पे व्हीकल नंबर डाल रहा हूँ क्योंकि मेरा जो चालान था वो व्हीकल के ऊपर कटा गया था। तो मैं व्हीकल नंबर डाल लूँगा और कैप्चर डाल लूँगा और सबमिट पे क्लिक करूँगा। तो आप लोग भी जो डिटेल है वो करेक्ट डालनी है, गलत नहीं करनी, अदरवाइज आप लोगों को बार बार डालना पड़ेगा ये। तो जैसे मैंने सबमिट के ऊपर क्लिक किया, थोड़ा टाइम लेता है, ये देखिए मेरा चालान आ गया है। यहाँ मेरा ऑफेंस लिखा हुआ है, मेरा फाइन लिखा हुआ है, 100 रुपये मेरा फाइन है। तो राइट हैंड साइड में देखिए फ्रेंड, ऊपर व्यू दिख रहा है आपको, व्यू के ऊपर क्लिक करना है। व्यू पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने पेमेंट ऑप्शंस आ जाएंगे। देखिए आपके सामने चालान आ गया है, किस चीज़ का चालान है, किसके नाम पे था, कब कटा है। तो ये देखिए 100 रुपये का चालान है मेरा। अब नीचे आपको चार ऑप्शन मिल रहे हैं। आपको जो पहला ऑप्शन है, आई विश टू पे द प्रपोज फाइन, आप लोग को इसके ऊपर क्लिक करना है। और बाकी ऑप्शन मत लेना, आपका 100 रुपये का चालान है। तो इसे मेरा, तो मैं इस पर जा रहा हूँ और जनरेट ओटीपी के ऊपर क्लिक करूँगा। और ओटीपी जो मेरा रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उसके ऊपर मेरा ओटीपी आएगा। तो आप लोग ध्यान रखना है कि आपका जो मोबाइल नंबर है वो आप लोग के डीएल या गाड़ी के साथ लिंक होना चाहिए। देखिए मैंने ओटीपी डाला है, तो ओटीपी डालने का नीचे जो कंडीशन है उसको सिलेक्ट करूँगा, एक्सेप्ट एंड पे के ऊपर क्लिक करूँगा। इसके बाद जो मेरा तीन चार तरह के ये आप लोगों को ऑप्शन देता है कि आप लोग तीन चार तरीके से इसको आप पे कर सकते हो, जैसे भीम यूपीआई है, इंटरनेट बैंकिंग है, आपको दो तरह के कार्ड दिए गए हैं, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड। तो मैं यहाँ पे भीम यूपीआई डालूंगा क्योंकि वो सबसे ईजी ऑप्शन होता है। कि भीम यूपीआई डाला, आपके जो यूपीआई की जो ऐप है उसके ऊपर आप लोग का मैसेज जाएगा और वहाँ से आप पे कर सकते हो। तो देखिए आपके ये हुआ। और इसके बाद आप लोगों का जो एक्नॉलेजमेंट रिसीट है, देखिए 2 मिनट में मेरे पास जो एक्नॉलेजमेंट रिसीप्ट है वो आ गई है। तो जो मैंने 100 रुपये का मेरा चालान था वो मैंने पे कर दिया है। अब इस रिसीट को मैं एज अ PDF सेव करके अपने पास रख लूँगा, क्योंकि बहुत बार क्या होता है फ्रेंड, ऑनलाइन चालान में, ये मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ऑनलाइन चालान में बहुत बार बैकेंड में आप लोग के चालान क्लियर नहीं होते हैं। तो ये रिसीट आप लोग को रखनी है, इन फ्यूचर अगर आप वो बोलता है कि आपका पिछला चालान आप लोगों ने सबमिट नहीं किया, तो आप लोग को रिसीट दिखानी है कि मैंने ऑनलाइन ये चालान फिल कर दिया है। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स ये वीडियो देखने के लिए। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। सो फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा और आप लोगों ने सीखा होगा कि आप लोग ऑनलाइन कैसे चालान को भर सकते हैं। इन केस अगर आप लोग के अभी भी कोई कन्फ्यूजन है इस वीडियो को लेके, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और साथ ही आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक को जरूर फॉलो कर लेना फ्रेंड्स, क्योंकि मैं वहाँ अपने आने वाले वीडियोज़ के जो टॉपिक्स होते हैं वो अपडेट करता रहता हूँ। तो वहाँ पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और आप लोगों के इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, वह मैं आपको रिप्लाई जरूर करूँगा। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स ये वीडियो देखने के लिए। मिलेंगे मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।